ये आप रॉयल कैनिन से बहुत अच्छा डॉग फूड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये लगभग 150 रुपये के अंदर आपको 1 किलो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक अंडा लेना है और इसमें डाल देना है कच्चा अंडा। कच्चा अंडा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स्ड करना है। वीडियो के अंदर मैंने जिस डॉग फूड के बारे में बताया है वो एकदम होममेड डॉग फूड है। हाय फ्रेंड्स, मैं मिताज आपके साथ डॉग फूड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। होममेड डॉग फूड आप कैसे बनाएं डॉग के लिए। रॉयल कैनिन के साथ मैंने इस डॉग फूड का तुलना किया है, तो देखिए जितना गुड़ उतना मीठा। रॉयल कैनिन बहुत महंगा होता है और उसका प्रोटीन भी अच्छा खासा प्रोटीन है, उसमें हाई प्रोटीन है। तो हर लोग तो रॉयल कैनिन परचेज नहीं कर सकते। जो रॉयल कैनिन परचेज नहीं कर सकते उनके लिए मैं लो बजट में अच्छा अच्छा प्रोटीन वाला खाना वीडियो में बताता रहता हूँ। उस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये जो डॉग फूड मैंने बता रखा है वीडियो में, ये आप अपने डॉग पे हफ्ते में 2-3 बार आप उसको खिला सकते हैं। अंडे के साथ रोज़ भी खिला सकते हैं, पर थोड़ा कम क्वांटिटी में खिलाना है। और अगर आपका पपीज़ है तो उसको आप 6-7 सोया बड़ी दे, इससे ज़्यादा मत दे, नहीं तो उसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकता है। बड़े डॉग को आप आसानी से, मान लीजिए अगर वो रॉटविलर है, लैब है, और भी दूसरा कोई हेवी बॉर्न का बड़ा सा डॉग है, 20-25 किलो वेट है, तो उसको आप 100 ग्राम सोयाबीन हर रोज़ दे सकते हैं अंडे के साथ। वो हाई प्रोटीन है, अभी ठंड का मौसम है तो आप ये ज़रूर उसको दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो वीडियो आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, आपको पूरा प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सा मोटिवेट मिलता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, न्यूट्रेला का सोयाबीन, ये सोया बड़ी आपको लेना है। आपको गर्म पानी करना है, उसमें सोया बड़ी डाल देना है, थोड़ा सा हिला लें। सोया बड़ी जब फूल जाए, ये हमारा सोया बड़ी फूल चुका है, ठीक है, पानी में, तो हम इसको छाक छाक के उठा लेते हैं पहले। ये जो मैं आपको डॉग फूड बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा पावरफुल प्रोटीन वाला होगा। तो सोयाबीन को आपको गर्म पानी से उठा लेना है, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अंडा लेना है और इसमें डाल देना है कच्चा अंडा। कच्चा अंडा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स्ड करना है। एकदम हाई प्रोटीन डॉग फूड मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। आप इसको पिटबुल, रॉटविलर, लेब्रा, किसी भी डॉग को खिला सकते हैं और बड़े आसानी से ये खा लेगा और बहुत स्वादिष्ट खाना होने वाला है। तो इधर कढ़ाई मैंने बिठा दिया गरम, तो इसमें डाल देते हैं। इसमें कोई तेल वेल कुछ भी नहीं डालना है आपको। आप देख सकते हैं कैसे बना रहा हूँ, बस ऐसे ही इसको भूंज लेना है। एकदम सिंपल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। और इसमें से अच्छा सेंट आ रहा है अभी, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेगा ये बनाने में, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। और ये बहुत ही हेल्दी डॉग फूड होने वाला है और डॉग ये बड़े चाव से खाएंगे। मैं जितने भी डॉग फूड बताता हूँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बताता हूँ डॉग्स के लिए। वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो आप पूरा देखें। तो हमने इसको अच्छे तरीके से भूंज लिया है, ठीक है। अब इसको उतार देते हैं फिर। तो जब तक लाल ना हो जाए तब तक आपको ये भूंजना है, ठीक है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। बस ये देखिए। और फिर इस खाने को थोड़ा थोड़ा करके आप अपने डॉग्स को सर्व कर दें, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग ये सारा खाना खा लेंगे, ठीक है। तो हम डालते हैं पूचू को। पूचू देखिए, आप देख सकते हैं, तो आप खाने का स्पीड देख सकते हैं, पूचू कितने अच्छे तरीके से खा रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट और प्रोटीन वाला खाना है ये। देखिए इसमें पूरा फुल प्रोटीन है, कम से कम 100 ग्राम सोयाबीन में आपको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 60 ग्राम या 50 ग्राम,
ठीक है। और उसके अंदर आप अगर अंडा ऐड करते हैं तो और भी अच्छा होता है, प्रोटीन कैल्शियम तो मिल ही जाता है, और राइस में थोड़ा सा फैट भी होता है, तो आप उनको ये वाला प्रोटीन वाला खाना ज़रूर दे सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं, ये चावल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एग का स्मेल है इसमें थोड़ा सा एग का सेंट आता है ना, तो ये लोग चावल भी पूरा खा लेंगे। तो डालते हैं अभी हमारे लैब्राडोर को भी, तो हम बाकी खाना हमारे लैब्राडोर को देंगे, और एक स्पीच भी है उसको भी थोड़ा सा देंगे, तो ये हमारे भूतू को देंगे। ये खाना देखने में कम लग रहा है पर ये बहुत प्रोटीन वाला खाना है, ठीक है। तो डालते हैं भूतू को, तो ये देखिए भूतू खाना देख के देखिए कैसे कर रही है। तो हम डालते हैं उसको खाना, आप देख सकते हैं बड़ा ही स्वादिष्ट और प्रोटीन वाला खाना है ये, और ये पूरा खा लेंगी, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का खाना है ये। हो पूछू ने पूरा खाना खा लिया है, और देखिए एकदम सफा जट करके खाना खाया पूछो। अब हम बिट्टू को खाना डालते हैं, ठीक है, तो अब ये बिट्टू को डालते हैं। तो ये देखिए भूतू ने पूरा खाना खा लिया, भूतू देखिए हमारा भूतू एकदम फिटनेस है, आप देख सकते हैं इसका फिटनेस कितना सही है। मैं इसको दौड़ करवाता हूँ रोज, और खाना भी अच्छा देता हूँ ताकि इसमें फैट ना बने, बस मसल्स बने, ठीक है, आप देख सकते हैं भूतू, देखा आपने खाना, देखिए एकदम साफ करके खाया, बहुत अच्छा बच्चा है। तो आप भी इस टाइप का खाना डाल सकते हैं, मैंने जो वीडियो में बताया सोयाबीन अंडा चावल कैसे आप मिक्स करके उसको खिला सकते हैं। तो हम अभी भूतू को डालेंगे पानी। तो देखिए हमने आपको जो डॉग फूड बताया है वो अपने डॉग पे आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आपका डॉग दुबला पतला सा है तो वो जल्द से जल्द मोटा तगड़ा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन के अंदर वो बहुत अच्छा मोटा तगड़ा होने वाला है, अस भी डॉग है, तो आप ज़रूर इस डॉग फूड का यूज़ करें। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे डॉग फूड के बारे में बता रखा है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। आप अपने डॉग का डीवार्मिंग टाइम पे करवाइए, नहीं तो वो मोटा तगड़ा नहीं होगा, उसको दौड़ करवाना है। आप देख सकते हैं हमारे भूतू का ग्रोथ, मेरे पास बहुत सारे डॉग्स थे, आपने देखे होंगे मेरे वीडियो, तो आपको पता होगा कि मेरे पास बॉक्सर डॉग भी था, रॉटवीलर भी था। तो देखिए भूतू को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा।